आप लोग देख सकते हैं कि मेरी सुबह की पूजा हो गई है और मैंने पूजा कर ली है बहुत अच्छे से। अब मैं आज सोमवार है तो मैं शिव जी का व्रत रखती हूँ। आज शिव जी की भी पूजा की विशेष रूप से की है और थोड़ी देर बाद मैं शाम के पूजन की तैयारी करूँगी, चौक बनाऊँगी। और यह है मेरे लड्डू गोपाल, राधे राधे। शाम को उनको दोबारा से तैयार करूँगी, नए नए वस्त्र पहनाऊँगी, बच्चों को नए कपड़े पहनाए जाते हैं ना आज। और सभी को होली अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएँ। जिनमें बोलते हैं कि हर बार जो है नया कलावा पिरोना चाहिए, और ये कलावा पिरोने में मुझे बहुत टाइम लगता है, पर ये मुझे पिरोना पड़ता है। तो मैं चश्मा लगा के बैठी हूँ क्योंकि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए ये दिखेगा नहीं मुझे अच्छे से, थोड़ी आई साइड वीक है मेरी। और ये दोनों साइड मुझे पिरोने हैं इसी तरह से, पूरी माला तैयार हो जाएगी। कहते हैं कि हर साल दो मोगे मनके डालने चाहिए, तो मैं दो मनके ही डालती हूँ। एक इस साइड, मतलब माला बनती है एक इस साइड एक इस साइड, ऐसे बनाती हूँ। तो देखते हैं, अरे यार थोड़ी सी, अब मैं इसको पूरा ऐसी पूरी पिरो लूँगी इसी तरह से। जितने भी मेरे बेटा 18 साल का है तो मतलब 9 इस साइड होंगे, नहीं 18 होंगे। ऐसे डालूंगी मैं, सारे ऐसे ही पिरो लूँगी, बाद में काउंट कर लूँगी, थोड़े कम ज़्यादा होंगे तो वो भी कर लूँगी। क्या करूँ, करना तो है, ये बहुत रेज काम है। अभी पहले मैं इस टाइप के मोती लाती थी, लेकिन अब मैं इस टाइप के लाती हूँ, खुले खुले एकदम, जिसमें टाइम नहीं लगता, ये फटाफट फटाफट एकदम एकदम हो जाते हैं। तो ये देखिए गाइस, मेरे बनके तैयार हो गए। इसे हम पूजा के समय ऐसे गले में डालकर कथा करते हैं। ये देखिए आप लोग, मैं दो लोटे भर के रखती हूँ, एक लोटा और एक करवा। लोटे पे मैंने चावल, पीसे हुए चावल से 5 सतिये बनाए, आप चाहें तो 7 भी बना सकते हैं, मैंने 5 बनाए। और ये ऊपर वाले कलश में ऑलरेडी बने हुए, फिर भी मैंने टिक्के लगा दिए। और ये रहा माँ की तस्वीर, ये भी मैंने रख ली। और इस तरह से मेरी ये पूरी पूजा की तैयारी हो चुकी है। ये थोड़ा थोड़ा सूखने के बाद दिखने लगता है कि चावल, पिसे हुए चावलों से चौक बनाया हुआ है। कुछ नहीं है, चारों तरफ से चार बना के, और इसमें कहते हैं माता के पैर और हाथ बना के बीच में एक सतिया बना दिया, बाकी मुझे कुछ इतना ज़्यादा पता नहीं है। जैसा जैसा मुझे आया वैसा वैसे मैंने कर लिया है। और ये दिया रखा है, बस अब हम यहाँ पर ही पूजन करेंगे इस जगह पर। जो भी हमें चढ़ाना होगा यहाँ पर, हम गणेश जी के नाम से यहीं पर चढ़ाएंगे, एक दिया जलाएंगे।